कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद फेसबुक एक बार फिर से विवादों में फंस गया है। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट हैक हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तोशी मंदोला और आप देख रहे हैं तोशी टॉकीज। इस वीकेंड पर सोशल मीडिया फेसबुक के हैक होने से कम 5,000 करोड़ यूजर्स पर असर पड़ा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें बड़ी संख्या में भारतीय फेसबुक यूजर्स की सूचनाएं, यानी कि निजी सूचनाएं भी लीक हुई होंगी। ये बहुत बड़ा झटका है फेसबुक के लिए, जो फेसबुक ने अभी शेयर करा है। हैकर्स ने व्यू एस फीचर्स के कोड में कमी का फ़ायदा उठाया। इस फीचर से यूज़र को पता चलता है कि दूसरे यूजर्स को उसका प्रोफाइल कैसा दिखता है। अब फेसबुक ने दावा किया है कि इस गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है और उसने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हैक का पता चलने के बाद उसने 9 करोड़ यूजर्स के अकाउंट को ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया था। यूजर्स की संख्या के लिहाज से फेसबुक के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। इस साल जुलाई तक भारत में कंपनी के 27 करोड़ यूजर्स थे। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप ऐप सिक्योर के संस्थापक आनंद प्रकाश ने बताया है, इस हैकिंग से भारतीय यूजर्स पर भी असर पड़ा है। हालांकि जब तक फेसबुक और सूचनाएं नहीं दे देती है, पक्के तौर पर बताना मुश्किल है कि गलती कहां पर हुई है। इस हैक से खुद प्रकाश भी नहीं बच पाए हैं। जब ये हैकिंग की गई थी तब उनका अकाउंट भी फेसबुक ने ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया था। अब इस पूरे मामले पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हैकर्स की पहुँच डिजिटल कीज तक हो गई थी, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के फेसबुक अकाउंट का एक्सेस हासिल किया। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि हैक किए गए अकाउंट्स को किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जुकरबर्ग ने एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया, कोड में जो भी कमी थी उसे हैकर्स ने फेसबुक के एक्सेस टोकन हासिल किए। शुरुआती जांच से यह पता चला है कि इन टोकन का इस्तेमाल यूजर्स के पोस्ट, प्राइवेट मैसेजेस को एक्सेस करने के लिए किया हुआ है। उन्होंने नाम, लिंक, लोकेशन, फ़ोटो जैसी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की है। आपको बता दें, भारत में जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, हॉटस्टार ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू आप फेसबुक को लॉग इन कर सकते हैं। इस पूरे विवाद पर उन्होंने कहा, उनके डेटा भी लीक होने का डर है, लेकिन अभी इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरे वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मेरा खुद का जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो भी हैक हो चुका है और मुझे नहीं पता है कि अब वो अकाउंट मुझे वापस मिल पाएगा या नहीं, या जो मेरी उसमें तस्वीरें हैं, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो सेफ और सुरक्षित रह पाएगी या नहीं। पर इसीलिए आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप कुछ टिप्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए। फेसबुक का हर महीने आप पासवर्ड चेंज करते रहिए, और अगर आप किसी और डिवाइस से फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो हमेशा चेक करते रहिए कि कौन कौन सी डिवाइस से आपने फेसबुक को लॉगिन करा है, ताकि आप ऐसी हैकिंग और ऐसी गलत चीज़ों से बच पाए, आपका जो अकाउंट है वह सुरक्षित हो पाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ हमारे